સ્પોર્ટ્સ આપણા જીવન માટે ઘણો ઉપયોગી છે. અત્યારની જનરેશન મોબાઈલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક સંસાધનોમાં વધારે પડતો રસ દાખવી રહી છે, ત્યારે અત્યારે આ નવી જનરેશનને ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. મહેસાણા યુનાઇટ ફૂટબોલ ક્લબ દ્વારા મહેસાણાની સ્કૂલ્સના બાળકો માટે ફૂટબોલ કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરેલ છે, જે અંતર્ગત અહીંયા મોટી સંખ્યામાં અંડર 14, 16 અને 17ના બાળકોએ આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. ત્યારે આજે આ ટુર્નામેન્ટનો પ્રથમ દિવસ હતો અને તારીખ 29/10/2023 એટલે કે આવતીકાલે આ ટુર્નામેન્ટનો બીજો દિવસ અને છેલ્લો દિવસ છે, જેમાં અંડર 18 થી લઈને 75 સુધીના વેટરન પ્લેયર્સ ભાગ લેશે. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો લાઈવ 24 ન્યૂઝ, હું છું આપની સાથે નિધિ. ત્યારે આજે મહેસાણા ઓએનજીસી ક્લબના સામે આવેલ છે આંબેડકર સ્ટેડિયમ, ત્યાં આગળ મહેસાણા યુનાઇટેડ ક્લબ દ્વારા આજે અહીંયા ફૂટબોલ મેચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મહેસાણા ભરની દરેક સ્કૂલને આવરી લેવામાં આવી છે. પરંતુ અમુક સ્કૂલમાં એક્ઝામ્સ હોવાના કારણે અમુક સ્કૂલે અહીંયા પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે, ત્યારે આ એક અનેરો કહી શકાય કે અનુભવ અહીંયા નાના છોકરાઓને મળશે, કારણ કે અત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારનું યુવાધન મોબાઈલ્સ અને એમાં ખોટું જાય છે. ત્યારે ફિઝિકલ હેલ્થ, ફિઝિકલ સ્પોર્ટ્સમાં લોકો બહુ ઓછા ભળે છે, ત્યારે આ ક્લબ દ્વારા સરસ મજાનું અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નાના નાના છોકરાઓ અહીંયા ફૂટબોલ મેચ રમવા આવ્યા છે, જેના કારણે તેમનો સ્પોર્ટ્સ પ્રત્યે આત્મવિશ્વાસ પણ વધશે. ત્યારે આના વિશે વધુ જાણીએ કે શું છે આ સંપૂર્ણ ક્લબ અને કઈ રીતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ये बेसिकली बहुत पुराना क्लब है हमारा यहाँ महसाना का, और महसाना यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, और ये हमारा 17th एनुअल डे समझ लीजिए आप. और इसमें क्या है कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं, जो देश के लिए भी खेले हैं, संतोष ट्रॉफी भी खेले हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि हमारे इस क्लब से जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे क्लब में फुटबॉल को प्रोत्साहित कर रहे हैं. छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल्स के, और महसाना के जितने भी स्कूल्स हैं अधिकतर स्कूल से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, और काफ़ी सारे बच्चे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्कूल में हैं. तो बेसिकली एक माध्यम है, मुझे लगता है महसाणा यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो है यहाँ पर फुटबॉल को और साथ ही फिटनेस को बच्चों के अंदर ये इस तरह की चीज़ें प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छी गतिविधियाँ यहाँ पर कर रहा है. देखिए, गेम कोई भी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, और चाहे फुटबॉल हो, मुझे लगता है कि बच्चों को और मुझे लगता है छोटी जो जनरेशन है और जो युवा पीढ़ी है उन्हें किसी ना किसी गेम से जुड़ना चाहिए. असली मकसद क्या है कि फिट रहना, फिटनेस रहना. और गेम में कोई अच्छा कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, जो स्टेट के लिए खेल रहा है, गुजरात के लिए खेले, या फिर हमारे नेशनल लेवल पे खेले, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले, बहुत बड़ी बात है. हर जगह यही छोटे बच्चे जो हैं आज छोटे प्लेयर हैं, कल को आज छोटी जगह खेल रहे हैं, कल को स्टेट के लिए खेलेंगे, कल को संतोष ट्रॉफी खेलेंगे, और कल को क्या पता ओलंपिक्स खेलें. लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी गेम है, बच्चों को, स्कूल के बच्चे जो हैं या हमारे घर में बच्चे हैं, कोई ना कोई एक गेम पकड़ के रहना चाहिए. आज वो दौर आ गया है कि बच्चे मोबाइल लेकर, टैब लेकर बैठ जाते हैं. लेकिन मेरा निवेदन है बच्चों से और बच्चों के माता पिता से, उन्हें भेजें, ग्राउंड में भेजें, और ख़ासकर यहाँ महसाणा जैसी जगह में इतना बड़ा स्टेडियम हमें ONGC ने प्रोवाइड करा है. और मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से भी ONGC को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमेशा से, सालों से, वर्षों से ONGC हमें ये सुविधा उपलब्ध कराती रही है. और इसीलिए मेरा निवेदन ये है कि चाहे ONGC के बच्चे हों, चाहे वो शबरी स्कूल, चाहे वो डिवाइन चाइल्ड, चाहे तपोवन, चाहे जितने भी स्कूल यहाँ पर हैं महसाणा में, सभी से मैं निवेदन करूँगा कि बच्चों को एटलीस्ट एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आउटडोर गेम्स होने चाहिए, और बच्चों का रुझान होना चाहिए. आप उन्हें बच्चों को लगातार भेजेंगे, रेगुलर भेजेंगे, जैसे आज आप देख रहे हैं यहाँ इतने सारे बच्चे यहाँ पर हैं, तो रुझान अपने आप डेवलप हो जाता है. आप क्रिकेट में भेजेंगे तो बच्चे का रुझान क्रिकेट में होगा, आप फुटबॉल में भेजेंगे तो फुटबॉल में होगा. छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये है कि बच्चों को खेलना चाहिए, आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए. और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, यकीनन मुझे लगता है कि वो आगे भी हमारे स्टेट को, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करें. एज ए डॉक्टर आप न्यू जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? एज ए डॉक्टर, बीइंग ए डॉक्टर, बेसिकली ऑब्वियसली मेरा दायित्व बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है ये कहने का कि भाई अपने शरीर को हमें फिट रखना चाहिए. और फिटनेस तभी आती है जब हम किसी आउटडोर एक्टिविटी से जुड़ेंगे, हम नियमित रूप से वॉक करें, व्यायाम करें, दौड़ें. बच्चे जो हैं नियमित रूप से अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे तो मुझे लगता है उससे शारीरिक विकास तो होगा ही होगा, साथ ही बौद्धिक विकास भी होता है. और दूसरा एक चीज़ और भी है कि व्यवहारिक विकास की बात भी मैं यहाँ करना चाहता हूँ, क्योंकि आप समझिए सोशल
प्रेजेंस जब तक बच्चों की नहीं होगी, जब तक बच्चे सोशली इंटरेक्टिव नहीं होंगे आपस में यार दोस्तों से, आपस में बड़ों से। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो संतोष ट्रॉफी से हैं, रावत जी हैं मेरे साथ खड़े हुए, रावत जी भी सब लोग संतोष ट्रॉफी खेले हैं। तो इन सब बड़े लोगों की छत्र छाया में और इन सब बड़े लोगों की गाइडेंस में ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जगह पर खेला हुआ है, अपना स्पोर्ट्स से, अपनी कला से, अपने कौशल से देश का नाम, स्टेट का नाम रोशन किया है, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे बड़े लोग गाइड कर रहे हैं, ऐसे बड़े लोग उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है बच्चों को जुड़ना चाहिए। और दो चीज़ें केवल इसमें हैं कि अपना शौक कायम रखिए खेलने का, और दूसरी चीज़ फिजिकल फिटनेस। और फिजिकल फिटनेस अगर होगी तो मुझे लगता है कि शारीरिक क्षमता तो आपकी बढ़ी रही है, बौद्धिक विकास भी होता है, और साथ ही साथ सोशल इंटरेक्शन अगर बच्चों का है तो चहुमुखी विकास जिसको बोलते हैं, चारों जो दिशाएं होती हैं उसमें जो विकास होता है बच्चों का, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, कलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो मैं चला तो 90 से रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर हमने क्लब स्टार्ट 17 साल से पहले किया। अभी तक कितने बच्चों ने यहाँ पे ट्रेनिंग ली? यहाँ से तो काफ़ी बच्चे ट्रेनिंग लेके गए और अभी अच्छी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं। जैसे अभी इनकम टैक्स का जो कैप्टन है वो भी हमारा यहीं का बच्चा है, अभी रिजर्व बैंक का कैप्टन है वो भी यहीं का बच्चा है, एक अपना रेलवे पुलिस में बॉम्बे में वो भी लड़का यहीं का ही है, एक लड़का नॉर्दर्न रेलवे का कैप्टन है वो भी यहीं का है, मतलब काफ़ी बच्चे हैं यहाँ से निकले हैं। सर मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि बच्चे खेलें कूदें, कुछ आगे बढ़ें और थोड़ा फिजिकली भी मेंटली भी थोड़ा फिट रहें। नहीं, मैं तो कहना बच्चों को ये चाहता हूँ कि कम से कम 1 घंटा ग्राउंड में आना चाहिए बच्चों को। बच्चा ग्राउंड में आएगा, थोड़ा खेलेगा तो मेंटली वो फ्री रहेगा, वो पढ़ाई भी अच्छी कर सकता है वो। मैं NS रावत, प्रेसिडेंट ऑफ MUFC महसाना फुटबॉल क्लब। हम पिछले 17 साल से कंटिन्यू ये क्लब डे मनाते हैं दिवाली के त्यौहार के अगल बगल। इससे बच्चों का मनोबल और बढ़ता है, स्पोर्ट्स में रुचि लेने वाले बच्चे और आकर्षित होते हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है हर साल हमारे क्लब से या महसाना डिस्ट्रिक्ट से 3 से 4 लड़के नेशनल के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, ये हमारे महसाना डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली, हर उम्र के बच्चे आते हैं, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे CISF के हों, चाहे हमारे 19 के वार्ड्स के लड़के हों, तो एक तरह से मेल जोल भी रहता है, फिजिकली फिटनेस भी रहती है, और उसके उपरांत हम उनको बोलते हैं पढ़ाई में भी ध्यान रखना है, दैट इज़ द मेन अवर गोल। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं उनके? नहीं, उसमें कहीं कहीं किसी स्कूल में एग्ज़ाम का प्रॉब्लम था तो वो लोग नहीं आ सके, और जो उनकी एग्ज़ाम हो चुकी थी, जो फ्री थे, उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया है इधर। हमने शुरुआत से ही ये निश्चित किया था आफ्टर 5th एनुअल डे कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारे गेस्ट भी आकर्षित हों और पेरेंट्स भी आकर्षित हों। तो सबने मिलजुल के सुना है कि छोटे छोटे पक्षी के बच्चे हम लाएंगे और उन्हें हवा में आज़ाद कर देंगे। तो सिंस 5th से हम लोग ये शुरू कर रहे हैं, आज 17 है, तो 17 पक्षी थे। इवन वो हालांकि छोटे थे तो उड़ने में डर रहे थे, बट हमने जो अपना ध्येय हमारा कि हम हर साल ऐसे 17 है तो 17 पक्षी उड़ा के उन्हें आज़ाद करेंगे। तरुण प्रजापति, साथी लाइव 24 न्यूज़, महेसाना।